नौवीं कक्षा के विज्ञान के आठवें चैप्टर गति के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको वेग की दो टाइप्स, एक समान वेग और असमान वेग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो है आज के लेक्चर का मुख्य टॉपिक हमारा शुरू होगा, जिसका नाम है त्वरण, जिसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित जो हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, उनको हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक समान वेग या स्थिर वेग, जिसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, वो क्या होती है। इससे पहले हमने एक समान चाल पढ़ी थी, उसको याद करवा देता हूँ एक बार कि यदि कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल जो है क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। समान समय अंतराल जैसे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक सेकंड के समय अंतराल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे वस्तु ने 3 मीटर की दूरी की, अगले अंतराल में भी 3 मीटर की दूरी तय की, अगले अंतराल में भी 3 मीटर की दूरी तय की। तो इस तरह से समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल कैसी कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। अब देखिए कि क्योंकि हम चाल की जगह वेग को परिभाषित कर रहे हैं तो दूरी की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में उसका विस्थापन समान होता है, यदि किसी वस्तु का समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है तो उस वस्तु का वेग जो है वो क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। यदि किसी वस्तु का समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक, और ये समय अंतराल कितने ही छोटे हो सकते हैं, ये समय अंतराल कितने ही छोटे हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ 1 सेकंड का लिया है, 1 सेकंड से काफी छोटा भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम असमान वेग की। असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब असमान वेग जैसे यहां से स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में असमान विस्थापन होता है उसमें, जैसे मान लेते हैं कि पहले पहले 1 सेकंड में जो है वस्तु 2 मीटर चलती है, अगले 1 सेकंड में जो वस्तु 3 मीटर चलती है, अगले में 4 मीटर चलती है, फिर हो सकता है कुछ कम हो जाए, ठीक, ब्रेक लगाना पड़ जाए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का एक समान समय अंतराल में समान की जगह कर देना असमान, असमान विस्थापन होता है, बाकी तो सारा सेम रखना है, तो उस वस्तु का वेग जो है समान वेग की जगह क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। ठीक, अब आइए इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक पढ़ते हैं, और वो टॉपिक है त्वरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, अब देखिए कि अगर कोई वस्तु जो है मान लेते हैं कहीं से स्टार्ट होती है और पहले सेकंड में इसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है,
दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ जाती है 10 किलोमीटर पर आवर आ जाती है, तीसरे सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रति सेकंड जो बॉडी की वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक, और यहां से देखें कि हर सेकंड में इसका वेग जो है, इसकी वेलोसिटी जो कितनी बढ़ रही है, इसका वेग कितना बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर ही बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह से यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, तो प्रति सेकंड जितना परिवर्तन हो रहा है वस्तु के वेग में, वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो इस उदाहरण से आप समझ तो गए होंगे कि हर सेकंड या समय के साथ साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है, और यह परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो हम ये कहेंगे कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का अगर हम सूत्र देखें तो क्या है, वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष लिया, समय के सापेक्ष लिया, तो बटे लिया गया समय। ठीक, अब देखिए कि यदि किसी वस्तु के आरंभिक जो वेग है वो मान लेते हैं यू है, और अंतिम वेग इसका वी है, यू और वी इनके लिए फिक्स होते हैं लगभग, अगर एक बुक ये यूज करती है, यू क्या है इसका आरंभिक वेग और वी है इसका अंतिम वेग। तो और यू वेग से वी वेग तक पहुंचने में वस्तु को टी समय अगर लगता है, उस समय त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, उस समय त्वरण जो है वो किसके बराबर होगा, वेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय। ठीक, तो ये जो है त्वरण का सूत्र हो जाता है। अब त्वरण की इकाई, त्वरण की इकाई या इसका जो मात्रक है, इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो त्वरण बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन यानी वेग बटे में समय। वेग की होती है मीटर प्रति सेकंड और समय की इकाई होती है सेकंड, तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एसआई मात्रक है इसका। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और त्वरण जो है वो अगर हम विचार करें कि सदिश राशि है, अदिश राशि है, त्वरण क्या होता है वेग बटे समय, और वेग क्या है सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या है एक सदिश राशि है। ठीक, और अगर ये सदिश राशि है तो त्वरण जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो देखिए जो बातें मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी मैंने नोट्स में लिख दी है, और ये नोट्स जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे ब्लॉग, मेरे वेबसाइट या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए कि वेग की तरह से हम त्वरण को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो यदि समान समय अंतराल में वस्तु का वेग जो है समान मात्रा में बदलता है, जैसे
पहले सेकंड में मान लेते हैं इसका 5 किलोमीटर पर आवर है, अगले सेकंड में 7 किलोमीटर पर आवर हो गया, अगले सेकंड में 9 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी हर सेकंड में दो दो बढ़े, हर सेकंड में 3-3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़े, यानी इस तरह से समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या हो, समान हो, तो उसका त्वरण क्या कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। कि यदि समान समय अंतराल में वस्तु का वेग समान मात्रा में परिवर्तित होता है तो उस वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक, और ये समय अंतराल कितने ही छोटे हो सकते हैं, ये समय अंतराल कितने ही छोटे हो सकते हैं। अब आगे आता है असमान त्वरण। असमान त्वरण की परिभाषा भी आप यहीं से बना सकते हैं कि यदि समान समय अंतराल में वस्तु का वेग असमान मात्रा में परिवर्तित होता है तो उस वस्तु का त्वरण जो है असमान त्वरण कहलाता है। तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल है। यहाँ पे कहता है कि विराम अवस्था से राहुल अपने साइकिल को चलाना शुरू करता है। अब देखिए विराम अवस्था से शुरू करता है तो इसका मतलब इसका आरंभिक वेग जीरो है, याद रखना इस बात को। तो अब कहता है कि 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है और फाइनली जो है इसका वेग कितना होता है 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय का कितना ले लिया 30 सेकंड का समय इसने ले लिया है। फिर कहता है वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए ये तो पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में देखिए कि दूसरी स्थिति में जब ब्रेक मारना शुरू करता है तो उसकी चाल थी, उसका वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसने ब्रेक लगाए और वेग कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना ले लिया 5 सेकंड का समय ले लिया। तो अब जो है ये आरंभिक वेग हो जाएगा और ये अंतिम वेग हो जाएगा दूसरी स्थिति का, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम स्थिति में क्या होगा, आरंभिक वेग u बराबर 0 है, अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है और समय कितना है 30 सेकंड। अब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, यानी v माइनस यू बाई टी, तो 6 माइनस 0/30, ठीक। तो यहां पर 6 × 5 = 30, यानी 1/5 m/s², ये 1.5 को जो आप पॉइंट्स में चेंज करोगे तो 0.2 m/s² जो है इसका त्वरण आ जाएगा, ओके। अब दूसरी स्थिति में देखिए कि त्वरण का सूत्र तो वही रखेंगे, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन फाइनल कितना 4 और इनिशियल कितना 6, अंतिम वेग 4 है और आरंभिक वेग 6 है बटे समय कितना 5, तो ये आ जाएगा 6 − 4 − 6 − 2/5 m/s². तो यहां पर देखिए कि इसको जब हम पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो
यह आएगा 0.4 मीटर प्रति सेकंड के विद नेगेटिव साइन। अभी माइनस साइन देखिए, ये कहता है कि वस्तु का वेग प्रति सेकंड घट रहा है। तो इस तरह से जो ऋणात्मक एक्सीलरेशन होता है, ठीक, अगर एक्सीलरेशन यानी त्वरण जो है ऋणात्मक होता है, तो इसका मतलब वस्तु का वेग प्रति सेकंड या जो है समय अंतराल में जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, अब देखिए कि आगे एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण गति में है, एक असमान त्वरण गति में है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, एक समान त्वरण और असमान त्वरण की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, कि यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग समान मात्रा में परिवर्तित होता है तो वो एक समान त्वरण गति में है, और एक समान मात्रा में चेंज नहीं होता तो वस्तु का वेग एक समान मात्रा में परिवर्तित नहीं होता तो वह असमान त्वरण गति में है। ओके, अब आगे एक न्यूमेरिकल और है। यहाँ पर कहता है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, कि जैसे यहाँ पर बस ब्रेक लगाती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड तो घटेगी। तो यहाँ पर जो इसकी आरंभिक गति है बस की, वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग जो इसका कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन जो है वो v माइनस u, अंतिम माइनस आरंभिक, यानी 60 माइनस 80 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा आपने लगा देना है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा आपको 5 सेकंड। अब यहाँ पर इकाइयों पर गौर कीजिए इसकी, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में या सेकंड में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था, इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 20/5 100/18, तो इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब त्वरण क्या होता है, v माइनस u बाई टी, वेग में परिवर्तन बटे समय। v माइनस u कितना है, 100/18 बाई में टी, टी कितना, 5, 5 × 5 = 20/5 100, 20/18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इकाई का ध्यान रखना जरूर, मात्रक का ध्यान रखना है। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो 5/18 से गुणा कर दो। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से गुणा कर दो। ठीक, तो ये आ गया 20/18। 20/18 को जैसे हम सोल्व करेंगे तो लगभग 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग आ जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज मिस कर गए हम कि 60 में से ऐसे घटेगा तो माइनस का आएगा ये सारा। ठीक, तो ये सारा कुछ माइनस में, तो माइनस 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण जो है यहाँ पर ऋणात्मक आया है।